आज तक हमने दो प्रार्थना देखी, एक गर्भाधारण से पहले एक माँ श्रेष्ठ आत्मा के अवतरण के लिए कैसे प्रार्थना कर सकती है, और दूसरा जैसे ही माँ को अपने गर्भाधारण के शुभ समाचार मिलते हैं तब वो ईश्वर के प्रति कैसे कृतज्ञ होती है। आज हम जो प्रार्थना देखने जाने वाले हैं वो है गर्भा अवस्था की प्रार्थना। हम जानते हैं कि जब माँ गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा सिर्फ शरीर से नहीं पल रहा, उसका मन का भी पालन पोषण हो रहा है, हृदय अंतर्मन सभी का विकास हो रहा है। और जब एक गर्भवती माता प्रार्थना करती है तो अपने आप ही अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को, उसकी हृदय को, उसके अंतरात्मा को, उसके मन को वो बड़ा ही सात्विक खुराक दे रही है। जब माँ गर्भवती माता एक प्रार्थना सुनती है तो उसे एक शब्दों की तरह ना सुने, उसे उस शब्दों के साथ उसे कनेक्ट होना है और उसका एहसास में ही पूरे दिन उसको जीना है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक मिनट में बच्चे के शरीर के 2.5 लाख कोश बनते हैं, तो जब माँ निरंतर ही इस प्रार्थना के भाव में रहती है तब अपने आप ही ये कोश प्रेम करुणा कृतज्ञता जैसे भाव से संचित होते हैं, वो अपने आप ही बच्चे का स्वभाव बन जाता है। तो चलिए हम आज की प्रार्थना सुनते हैं। हे संसार के समग्र शुभ तत्व, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे भीतर अंकुरित हो रहा है। ईश्वर के इस उत्कृष्ट वरदान को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी नियति ने मुझे दी है, इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हे संसार के समस्त शुभ तत्व, मेरे बालक की रक्षा कीजिए, उसकी दिव्यता का संवर्धन कीजिए, उसकी कोमलता की संभाल लीजिए, उसकी क्षमताओं का विकास कीजिए, उसकी पवित्रता को बनाए रखिए, उसके विकास को आधार दीजिए। और उसके लिए ये संसार के समस्त शुभ तत्व आप मेरे भीतर वास कीजिए, मेरे हृदय में आप सबका स्वागत है। आप मेरे भीतर बाल स्वरूप में वास कीजिए, आप सबका स्वागत है।